और ये परफेक्टली बैलेंस ई चदर कर रहे हैं एयर में इसका मतलब मास मैं एक अगर दो सॉलिड्स को ए और बी से डिनोट करूं तो मास ऑफ ए इज इक्वल टू मास ऑफ बी है ये बात मुझे पता चल गई ठीक है व्हेन टू सॉलिड्स आर कंप्लीटली इमर्ज इन वाटर अलॉन्ग साइड विद दी पैन ऑफ बैलेंस दे आर नो लॉन्गर बैलेंस विच ऑफ दी दज इन करेक्ट अबाउट दीज बॉल्स तो देखो जब ये दोनों आपस में बिल्कुल बैलेंस कर रहे थे तो जब दोनों को मैंने पानी में डाला तो ये बैलेंस नहीं कर रहे इसका क्या मतलब है इसका एक क्लियर मतलब है जब पानी में डालते हो ना तो एक नया फोर्स आता है बाय फोर्स ठीक है ये बाय फोर्स डिपेंड करता है कि उसने कितने वॉल्यूम को डिस्प्लेस किया पानी के वॉल्यूम को ठीक है समझ समझो इस बात को कि जब कोई ऑब्जेक्ट नॉर्मली रखा होता है हवा में तो वो कितना वेट यहाँ पे एग्जर्ट करेगा मास ऑफ ए इंटू जी इतना ही करेगा एग्जर्ट लेकिन तो यह, यही यही अमाउंट का फोर्स मुझे कहा देखने को मिलेगा उसकी बीम बैलेंस पे, अगर कोई बंदा बोले तो यही मुझे, तो इतना वेट मुझे इसका देखने को मिलेगा, लेकिन इसके ऊपर एक बाइंड फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है अगर मैं इसको पानी में डाल देता हूँ ठीक है और ये बाइंड फोर्स डिपेंड करता है कितने वॉल्यूम ऑफ वाटर को इसने डिस्प्लेस किया ठीक है अब ये कितने पानी को डिस्प्लेस करेगा जितना इसका खुद का वॉल्यूम होगा इसका मतलब बाइंड फोर्स बेसिकली डिपेंड करता है वॉल्यूम के ऊपर ऑब्जेक्ट के ठीक है अब क्वेश्चन ने क्लियरली बोला है कि ये एक दूसरे को बैलेंस नहीं करते इसका मतलब इन दोनों के ऊपर लगने वाला बायड फोर्स अलग है और बायड फोर्स क्यों अलग होगा पानी तो सेम है मतलब पानी की डेंसिटी सेम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सेम होगी लेकिन इनके खुद के वॉल्यूम सेम है क्या इसके बारे में क्वेश्चन ने कहीं पे भी नहीं बोला इसका मतलब है इन दोनों के केसेस में इनके वॉल्यूम में फर्क है

क्या इन दोनों का एयर में वॉल्यूम इक्वल है हमें इनकरेक्ट ढूंढना था और अभी अभी हमने पता करा कि दोनों के वॉल्यूम में डिफरेंस है तो मुझे इनकरेक्ट मिल गया और दे हैव अनइक्वल डेंसिटीज डेंसिटीज तो densities के बारे में भी बात कर लेते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है ठीक है मास तो दोनों के सेम है पर डेंसिटी ये वॉल्यूम्स अगर डिफरेंट है तो डेंसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू मास ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए डेंसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू मास ऑफ बी अपॉन वॉल्यूम ऑफ बी मास ऑफ ए और बी तो बराबर है लेकिन क्या ये चीज और ये चीज बराबर है नहीं सोचो दोनों में न्यूमिनेटर सेम है लेकिन डिनोमिनेटर दोनों का अलग है तो ऑब्वियसली इस चीज की वैल्यू अलग अलग ही आएगी तो क्लियरली डी इज नॉट इक्वल टू डी बी तो डेंसिटीज इक्वल नहीं होनी चाहिए उनकी तो यहाँ लिखा है दे हैव अनइक्वल डेंसिटीज लेकिन ये बात तो करेक्ट हो गई ना हमें तो इनकरेक्ट ढूंढना था तो इनकरेक्ट सिर्फ ऑप्शन नंबर थ्री बचा तो आई होप ये क्वेश्चन अब क्लियर हो गया होगा सबको क्लास से ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जी मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर